ग्वालियर में 13 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 1,00,000 श्रद्धालु शामिल होंगे। ये रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गोयल वाटिका पर संपन्न होगी। इस्कॉन मंदिर के प्रमुख महाप्रभु महेंद्र ने बताया कि इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ हाइड्रोलिक रथ में सवार होंगे। रथ का निर्माण बंगाल के कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। रथ को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा मैया और बलदाव जी विराजमान होंगे। इस वर्ष करीब 1,00,000 से ज्यादा भक्तगण इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। वहीं विदेश से भी कई भक्त इस यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ट्रेडिशनल कीर्तन और हरिनाम संकीर्तन रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण रहेगा। 13 जुलाई को होने वाली रथ यात्रा जो ग्वालियर GYMC से निकलने वाली है और गोयल वाटिका पे जाके समापन होगा और बहुत ही भव्य आयोजन होने वाला है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हमारी बहुत सारे भक्तों का प्रयास लगा हुआ है कॉन्स्टेंटली। पूरे इस्कॉन ग्वालियर के इस्कॉन यूथ फोरम टीम, हमारे कॉन्ग्रीगेशनल डिवोटीज अपने दिन रात एक करके मेहनत करके इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और कई देशों से भक्त आने का स्वीकृति दिया है। उसमें रशिया, चाइना, रूस, अमेरिका, कजाकिस्तान से डिवोटीज आने वाले हैं। करीबन 20 डिवोटीज के लगभग यहाँ पर रहेंगे और वो अपना रॉक इंटर डांस का परफॉर्मेंस भी देंगे और साथ ही हमारी ट्रेडिशनल बंगाली कीर्तनिया टीम आ रही है जो अलग टोला में जो है ट्रेडिशनल कीर्तन का संकीर्तन प्रस्तुत करेंगे और हमारी जो लोकल ग्वालियर टीम है वो हरिनाम संकीर्तन जो सड़कों पर सभी भक्तों को झूम से नाच करा करके उनको भगवान जगन्नाथ जी की कृपा का पात्र बनाएंगे जी। और इस रथ यात्रा जो है GYMC से लेकर के इंद्रगंज, दौलतगंज और बाड़ा सराफा होते हुए जो है गोयल वाटिका तक जाएगी और वहाँ पर जो है 30,000 भक्तों के लिए भव्य भंडारा प्रसाद का आयोजन भी किया गया है। करीबन 7:30 बजे तक के लगभग ये रथ यात्रा वहाँ पर पहुँच पाएगी और उसके अंत में जो है प्रसाद होगा। और इस रथ यात्रा में जो इस्कॉन वर्ल्ड वाइड के चेयरमैन हैं हिज होलीनेस गुरु प्रसाद स्वामी महाराज और हिज ग्रेस महामन प्रभु जी गुरुदेव जो मध्य प्रदेश के जोनल सुपरवाइजर हैं वो भी उपस्थित रहेंगे और इस रथ यात्रा को मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच श्रीमान प्राणेश्वर प्रभु जो मध्य प्रदेश के रीजनल सेक्रेटरी हैं वो भी हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।